नमस्कार दोस्तों, श्याम कला सिरिंगस में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों, काफ़ी बच्चों के कन्फ्यूज है, काफ़ी बच्चे सोच रहे हैं क्या है क्या नहीं है किस प्रकार है। तो आज आपका हर चीज़ का एक एक सवाल का हम जवाब देंगे कि ITI रिजल्ट 2021 से जुड़ी आपकी हर समस्या, आपके हर प्रश्न का उत्तर आज हम देंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको ITI की पल पल की अपडेट मिलती है। साथ ही ITI की सभी प्रकार की ऑनलाइन क्लास हम अवेलेबल कराते हैं। साथ ही अभी आपकी जो CBT एग्जाम हुई थी, ट्रेड थ्योरी की, इम्प्लॉयटी स्किल वर्कशॉप, कैल्कुलेशन साइंस की, तो सभी की जो CBT एग्जाम के जो पेपर थे, उन पेपरों का अभी हम हाल फिलहाल एनालिसिस करा रहे हैं। रोज का एक पेपर हम डाल रहे हैं। तो आप अगर सभी प्रकार के CBT पेपर चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहाँ से आप वो पेपर पास प्राप्त कर सकते हो। साथ ही अगर आपको पेपर हल करने हैं तो हम रोज यूट्यूब पर हल करवा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा वक्त खराब नहीं करें। तो आज आपके हर प्रश्न का हर जवाब देंगे कि आपका ITI रिजल्ट 2021 से रिलेटेड क्या क्या समस्या है, कुछ की क्या समस्या है, कुछ की। तो आज पूरी समस्या का समाधान होगा। तो चलते हैं, और आपका पहला क्वेश्चन है, ITI बैंक एग्जाम कब होगा सर? सबसे बड़ा सवाल, काफी बच्चे सोच रहे सर एग्जाम होगा या नहीं होगा, सर प्रमोट करेंगे क्या करें? देखो, प्रमोट नहीं करेंगे, पहला क्वेश्चन। क्यों? अगर प्रमोट करना होता तो रिजल्ट थोड़ी निकालते। अगर उन्होंने रिजल्ट निकाल दिया तो यह तक कन्फर्म हो गई, अब आगे प्रमोट की बात नहीं करेंगे। कन्फर्म आपकी एग्जाम होगी। मैंने आज से लगभग 5-7 रोज पहले आपको टाइम टेबल डाला था, वो था आपका 23 जुलाई से, और कन्फर्म आप नोट कर लेना, जुलाई में आपकी एग्जाम है। साथ ही आपने देख लिया होगा कि लॉकडाउन धीरे धीरे खुलता जा रहा है, और पिछली बार आपने नोट किया था, कोविड स्टार्ट हुआ था 19 का, तो आपने नोट किया था सबसे पहले ITI कॉलेज खुली थी। तो आपकी बहुत जल्द ITI कॉलेज खुलने वाली है, अभी नहीं तो जून लास्ट या जुलाई स्टार्टिंग ITI खुल जाएगी। तो क्या पता आपको वहां पर क्लास अवेलेबल हो या न हो, लेकिन आप हमारे चैनल के माध्यम से सभी प्रकार के पेपरों का एनालिसिस करते रहे, साथ ही आपको अदर सब्जेक्ट की क्लास आई तो आप इससे रिलेटेड हमको बोलिए, हम आपको अवेलेबल कराएंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन क्लियर करता हूं अभी कि ITI बैंक एग्जाम कब होगा। तो ITI बैंक एग्जाम जुलाई लास्ट यानी 23 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच में कन्फर्म स्टार्ट होगा। पहले येलो वालों का एग्जाम होगा, फिर सेमेस्टर वालों का। तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, ग्रेस मार्क्स कैसे मिलेगा? अब काफी बच्चों को डाउट है, सर मेरे इंजीनियरिंग ड्राइंग में 11 नंबर है, सर मेरे 15 नंबर है, तो सर पास तो दिखा रहा है लेकिन आगे तो दिक्कत रहेगी। दोस्तों, ये ग्रेस मार्क्स वही है, 6 नंबर तक का आपका ग्रेस मार्क्स लग सकता है, तो ये आपका ग्रेस मार्क्स वही है। अब बच्चे देख कहते हैं सर ये मार्कशीट में दिखा देगा, दिखाई कुछ नहीं देगा, वहां पर आपके नंबर है वो नंबर है, और वो ग्रेस मार्क्स मान लिया जाएगा कि 70 नंबर चाहिए थे आपको, आपके 11 नंबर है सही है, 15 है तो सही, ये रीजन है। अब ग्रेस मार्क्स से रिलेटेड क्या है कि आपको 6 नंबर चाहिए। अब अगर आपको दो सब्जेक्ट में 3-3 नंबर की जरूरत पड़ती है, 2 या 4 नंबर की, तो दो सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स लग सकता है। इसके अलावा एक सब्जेक्ट में तो कन्फर्म 6 नंबर का लगेगा, अगर 6 से ज्यादा जरूरत हो रही है तो आपका ग्रेस मार्क्स नहीं लगेगा। तो यह था आपका ग्रेस मार्क्स। तो ग्रेस मार्क्स कैसे मिलेगा? तो इस प्रकार बहुत से बच्चों को एक या दो सब्जेक्ट में मिला भी होगा, तो आपका यह दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर है। ठीक है दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कब आएगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, रोज ही कमेंट आता है कि सर हमारा रिजल्ट कब आएगा। पहली बात तो लगभग 70% बच्चों की एग्जाम हुई है, उनको रिजल्ट की वो सही बात है कि वो सही बोल रहे हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट आ जाएगा, एग्जाम अच्छी हुई है तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। आप सेकेंड ईयर की तैयारी करो, क्योंकि आप मानो आपके एग्जाम जुलाई लास्ट में प्रैक्टिस स्टार्ट होंगे, अगस्त स्टार्ट में एग्जाम होगी। भले आपके जो सीनियर थे 2018-20 वाले, वो अभी आपके सेकेंड ईयर के एग्जाम देंगे, भले बैक करवा ले वो, ये अभी जो फेल हुए हैं वो तो उनका, लेकिन आपकी भी सेकेंड ईयर की एग्जाम लगेगी, उन्हीं के साथ लगेगी, तो आप भी अपनी तैयारी हो, आप रिजल्ट की टेंशन मत लो। अब जिन बच्चों की फर्स्ट ईयर की एग्जाम लगी है, काफी बच्चों की CBT एग्जाम बाकी है, तो वो सोचे सर हमारा क्या होगा, तो आपकी फर्स्ट ईयर के साथ साथ सेकेंड ईयर की एग्जाम भी लगेगी, तो आप पर तो डबल लोड है। तो आप फर्स्ट ईयर के पेपरों का एनालिस कीजिए, सेकेंड ईयर का जैसे हम पेपरों का एनालिस करा रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों, तो दोनों पेपरों को आप एनालिस कीजिए। तो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट ये मत सोचना कि अभी हमारे सेकेंड ईयर के फॉर्म नहीं फिल हुए, आपके फॉर्म बहुत जल्द फिल होंगे, रिजल्ट आने के बाद होंगे, बहुत जल्द आपका रिजल्ट भी आने वाला है, क्योंकि रिजल्ट ही जल्दी है ना,
रिजल्ट आ जाएगा, इस हफ्ते कंफर्म आ जाएगा, आप टेंशन मत करो, 2 या 4 दिन कंफर्म आने वाला है, आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट की टेंशन मत लो, बस एग्जाम की तैयारी हो, ठीक है। तो आपका मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करें, ब्रेक आने के बाद पास कैसे होंगे? भाई ब्रेक आ गया तो स्टडी करनी पड़ेगी, स्टडी करेंगे तभी पास होंगे। अब ब्रेक आने के बाद आपको लग रहा है कि मेरे 0 नंबर शो कर रहे हैं, मेरे नंबर कम आ रहे हैं, तो आप रीचेकिंग का फॉर्म फिल कर सकते हो। और रीचेकिंग फॉर्म में मैंने बहुत चीज नोट किया, बहुत बच्चे रीचेकिंग का फॉर्म लगाते हैं, मैं तो आज तक उनका पॉजिटिव रिजल्ट देखा ना, सही बता रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी, फॉर्म लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, 250 रुपये का चार्ज कटेगा, लेकिन बहुत कम चांस है। मैंने नोट किया है काफ़ी बार आईडी बहुत बच्चे लगाते हैं, लेकिन आज तक मैंने सही रिजल्ट नहीं पाया, पहली बात है। बाकी आप लगाओ कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो ब्रेक आने के बाद यही एक चांस है कि अगर आपका ब्रेक आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ मैं पास हो सकता हूँ, तो कन्फर्म फॉर्म लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साथ ही अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुश्किल है, तो तैयारी स्टार्ट कर दो प्लीज़, टाइम बहुत कम बचा है, काफ़ी वैकेंसी आने वाली है, तो ये तो आपके लिए गोल्डन चांस है। अगर सेकेंड ईयर वाले बंदे हो या फर्स्ट ईयर वाले हो, सभी के लिए, साथ ही बेचारे सेमेस्टर वालों का भी कोई नहीं, बेचारे 2017 के बच्चे थे, अभी उनका न कोई एग्जाम हुआ, बेचारे गलती से फेल हो गए, क्या पता क्या। बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट देखे थे मैंने जिनको बेचारे के 0 नंबर शो करे, काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे थे। तो छोड़ो एक बार सेमेस्टर वाले बेचारे, उनका तो जुलाई में एग्जाम होगा तभी देखेंगे, लेकिन आप न्यू बैच के बच्चे हो, रेगुलर है, तो वापस कर दो। मुझे मालूम है आपकी स्टडी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है, फट नहीं रहे हो आप, कितनी क्लास डाल दो नहीं फटेंगे, आईटी की अपडेट दे दो वो देख लेंगे, लेकिन फटेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जल्द एग्जाम आने वाली है, तब मालूम चल जाएगा कि सर सही बोल रहे थे, फट लेते तो आज ये दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। आगे देखो, आईटी रिजल्ट में गलती है तो आपको केवल यही काम करना चाहिए। अगर आपको आईटी रिजल्ट में कमी लग रही है, गलती लग रही है, तो आप जरूर करिए रीचेकिंग का फॉर्म लगाइए। वैसे मेरे हिसाब से बहुत कम गलती थी, लेकिन काफ़ी बात तब हूँ कंप्यूटर अपडेटिंग के कारण काफ़ी रिजल्ट गड़बड़ हुआ है, तो आप जरूर, अगर आपका लग रहा है कि रियल में मेरा रिजल्ट गलत है, तो आप जरूर फॉर्म फिल कीजिए और करिए। तो मेरे हिसाब से आज आपको सारे क्वेश्चन मिल चुके हैं, मेरा एक ही सवाल है, स्टडी स्टार्ट कर दो, टाइम बहुत कम बचा है, फिर पछतावा क्या, जब चिड़िया चुग जाए खेत तो बाद में पछताने से क्या फायदा, टाइम कम से कम 1-1.5 महीने का टाइम है, और 1-1.5 महीने में बहुत कुछ पा सकते हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप 8 या 10 घंटे पढ़ो, अरे 2-3 घंटे काफ़ी होते हैं आईटीआई के लिए, इतने हार्ड भी नहीं है। आपको जिस भी सब्जेक्ट की क्लास चाहिए आप हमें बोलो, हम आपको हर सब्जेक्ट की क्लास अवेलेबल करेंगे, फंडा तो आपको ही पड़ेगा, हम नहीं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे एक न्यू अपडेट का, तब तक के लिए।